आप तैयारी कर रहे हैं और राहुल गांधी खुद को दलितों का नेता साबित करने में लगे हुए हैं। नहीं, दलितों के नेता तो उन्हें फिल्मों में भी दलित काउंट करते हैं कितने हैं, वो कंपनीज में दलित काउंट करते हैं कितने हैं, ओबीसी काउंट करते हैं कितने हैं। नहीं नहीं, दलितों के नेता हम ही है, लेकिन मेरे पार्टी का विजन है कि दलित और सवर्णों को जोड़ने का। बाबा साहब अम्बेडकर जी का मिशन था कि सभी जाति धर्म के लोगों को एक साथ लाने का मिशन है बाबा साहब का मिशन। और बाबा साहब अम्बेडकर जी 1952 में इसी जगह से लोकसभा चुनाव लड़े थे। लोगरो नाम का एक लोकसभा क्षेत्र था, और जब 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ था, उसके बाद पहला इलेक्शन हुआ था 1952 को, और तब बाबा साहब अम्बेडकर जी ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के टिकट पर इसी लोगरो क्षेत्र से खड़े थे। लेकिन तब कांग्रेस पार्टी के काजरोलकर नाम के एक दलित समाज के नेता ने ही बाबा साहब अम्बेडकर जी को हराया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी 1954 को भंडारा से खड़े थे, वहां भी दलित समाज के कांग्रेस के आदमी ने बाबा साहब को हराया था। इसलिए बाबा साहब ने ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बरखास्त करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ए पार्टी की स्थापना करने का उन्होंने सोचा था। और बाबा साहब का कहना था कि देश में दो ही पार्टी होनी चाहिए, एक कांग्रेस पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी। ऐसा बाबा साहब का एक मिशन था। अमरीका में, फ्रांस में, जर्मनी में, कई देशों में टू पार्टी सिस्टम है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के वक्त मतलब वह पार्टी स्थापित नहीं हुई, लेकिन आज रिपब्लिकन पार्टी हम चला रहे हैं और देश की राजनीति हम कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में हमारा समाज एक साथ नहीं है, लेकिन उस समाज को एक साथ लाने का प्रयत्न जरूर हमारा है। आप इतनी कोशिश कर रहे हैं, यही कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, तो आप ये क्यों कहते हैं कि राहुल गांधी बेकार है? नहीं, राहुल गांधी कुछ नहीं कर रहे। राहुल गांधी खाली संविधान का किताब दिखा रहे हैं, मतलब संविधान का किताब दिखाकर वोट तो एक बार ले लिया, लेकिन हर बार इतना संभव नहीं है। संविधान खाली दिखाकर काम नहीं चलेगा। कांग्रेस पार्टी के हाथ में 60-70 साल तक सत्ता थी, क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ने गरीबी हटाई, क्यों नहीं देश की इकोनॉमी ऊपर लाई? हमारे मोदी साहब के कार्यकाल में 10 नंबर जब 5 नंबर पर आए हैं। अभी देखो ये 5 साल में अपनी इकोनॉमी 3 नंबर पर आएगी, दूसरे 5 साल मिलेगी तो 2 नंबर में आएगी, और 5 साल मिलेगी तो 1 नंबर में आएगी। तो मतलब इस देश की इकोनॉमी 1 नंबर पर लाने की कोशिश हमारी है, और नरेंद्र मोदी जी का विजन है देश को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाने का है। इसलिए राहुल गांधी जी ने इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कितनी भी जल्दबाजी करेंगे तो उनको जल्दी प्रधानमंत्री बनने का मौका नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए जब तक हम लोग एक साथ है, हमारी एनडीए स्ट्रांग है, तब तक उनको ये संभव नहीं है। इसलिए आप सदन में कहते हैं कि मैं उधर आकर क्या करूं? हाँ, तो मैं तो बोलता हूँ भाई, मैं उधर जाकर क्या करूं? मतलब उधर जाना है मतलब भूखा मरना है, उधर जाकर के क्या करूंगा? मतलब मैं अभी, मुझे मालूम है कि भाई हवा तो नरेंद्र मोदी जी की है, तो मुझे पॉलिटिकल हवा का रुख मालूम होता है कि भाई कब कौन सा निर्णय लेना चाहिए, और जब तक नरेंद्र मोदी जी हवा है तब तक मैं इधर हूं।